नो सर। नो सर। चलो अच्छी बात है। सर जब से बारिश हुई है तब से मन नहीं कर रहा देखने। ऐसा क्यों, बारिश ने क्या प्रॉब्लम कर दिया? सर सुमन गिल कितना अच्छा खेल रहा था शाहीन अफरीदी के खिलाफ, उसके बाद मजा ही नहीं आ रहा जब से चलो आउट हुआ है। कोई बात नहीं, विराट कोहली भी है, वो भी, केएल राहुल भी है। चलो ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था क्या? मैं बता रहा हूँ एक बार, देखो तो ये हमने मॉड्यूल है। क्या पढ़ लिया था, देखो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था क्या, पैकिंग इफिशियंसी वगैरह ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने, पढ़ लिया था। बताओ भाई पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? जो पैकिंग इफिशियंसी FCC का होता है और HCP का होता है, HCP का पूरा नाम बताओ भाई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और FCC का फेस क्यूबिक, ठीक है? दोनों फेस सेंटर क्यूबिक का, दोनों का जो होता है पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, 74%। ये आप लोग याद कर लेना क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं वॉइड की। वॉइड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक तो टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। मैं डायरेक्टली बच्चों आपको निकालना बता दे रहा हूँ, टेट्राहेड्रल कैसे निकालेंगे, ऑक्टाहेड्रल कैसे निकालेंगे। मान लो अगर हमारे पास SCC है, तो SCC के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? वन 1 होती है। जब जेड की वैल्यू 1 होगी तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड, वह क्या होता है, जेड के बराबर होता है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वह कितना होता है, 2Z होता है। क्लियर है बातें? आप यस बताओ अगर हमारे पास SCC है, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि वन जेड की वैल्यू 1 है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलो टू भाई 2 होगा ना। क्लियर है क्या बातें सबको? हाँ, यस सर। अगर वही मैं FCC ले लूं, क्या ले लूं, FCC, तो FCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4 4 होती है। तो इसका मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो कितना होगा? 4 8 4 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा। अरे यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। हाँ आप लोग बता भी नहीं रहे हो। सर पर टेट्राहेड्रल में तो आपने ऊपर जेड लिखा है ना। एक मिनट यार, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 2Z होगा टेट्राहेड्रल में, और ऑक्टाहेड्रल में जेड होगा। यानी कि जितना वैल्यू जेड का होगा उतना ही वॉइड कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल का होगा, टेट्राहेड्रल का उसके 2 गुना होगा। क्लियर है बातें? यस सर। अगर मान लो FCC में जेड की वैल्यू 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 8 8 होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 4 4 होगा। अगर वही मैं BCC ले लूं, तो BCC में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 4 2 होती है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 4, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2 2 2 होगा। क्लियर है बातें सबको? यस। ये याद कर लेना यार, याद कर लेना, डायरेक्टली याद कर लेना। टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म व्हेनेवर स्फीयर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द ट्राइंगुलर अरेंजमेंट एज केस इन ट्राइंगुलर वॉइड, आर बराबर इतना। चलो देखो सिंपल सी बात है, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें ना, तो यह जो पोजीशन है ना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड का है। तो अगर मानो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास FCC है, तो टोटल ऐसे पोजीशन कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो इसके लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप सिंपल याद कर लो यार, डायरेक्टली पूछता है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डाउट किसी को बताओ यार, किसी को कुछ डाउट है? नहीं डाउट है, नो ठीक है कोई बात नहीं, ये सब हम लोग कर चुके हैं, ये सब हम लोग कर चुके हैं। आप लोग तो बताओ, ये जो डेंसिटी है, जेड है, एम है, ए क्यूब है, और ये है, इसमें हम लोग रिलेशन निकाल चुके थे क्या लेडी? यस सर। इसपे हम लोग क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, इसपे हम लोग क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। क्लियर है बातें? आओ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों आयनिक, आयनिक सॉलिड में, किसमें आते हैं, आयनिक सॉलिड में। अगर बताओ अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक होगा, अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूबिक होगा, तो सिंपल क्यूबिक में बताओ बच्चों ये कॉर्नर पे एटम होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। अगर मानो ये आयनिक न हो के कोवैलेंट, सभी कॉर्नर पे एटम होते हैं, यस सर।
लेकिन अगर ये आयनिक है ना, आयनिक तो आप बताओ आयनिक में क्या होता है, एक साइड सोडियम होता है दूसरे साइड क्लोरीन होता है, नहीं जस्ट एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो एक साइड हाइड्रोजन होगा एक साइड सीएल होगा, एक दूसरे से चिपके होंगे, वैसे एचसीएल नहीं होता। तो देखो क्या होता है, अगर मानो मैंने इस साइड मैंने ये बना दिया ना, क्या बोलते हैं, मानो ये कोई भी एटम बना दिया, तो दूसरा एटम दूसरा होगा, दूसरा होगा, दूसरा होगा। क्लियर है क्या बात है, बताओ भाई। यहाँ पे भी दूसरा होगा, यहाँ पे भी दूसरा होगा, फिर देखो यहाँ पे फिर वो हरा वाला होगा, फिर यहाँ पे भी हरा वाला होगा, और यहाँ पे भी हरा वाला होगा, और यहाँ पे नीला वाला होगा। क्लियर है क्या बात है, अल्टरनेट पोजिशन पे है। अगर आप बताओ, अगर मानो यहाँ पे भी सोडियम होता और यहाँ पे भी सोडियम होता, तो क्या एक दूसरे को रिपल्सन करते क्या? यस सर, यस सर, करते हैं, रिपल्सन करते हैं, समझ गए क्या? अब देखो, एक होता है रेडियस रेशियो। क्या होता है? रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, अगर मानो एक केटायन होगा इसमें से और एक एनायन होगा, तो जाहिर सी बात है आप बताओ केटायन का साइज छोटा है या फिर एनायन का साइज किसका छोटा होता है, केटायन का या फिर एनायन का? सर केटायन, केटायन का। आप बताओ जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जाहिर सी बात है उसकी साइज कम होती है पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव साइज की साइज ज्यादा होती है। तो रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो हम लोग आर प्लस बाई आर माइनस लिखते हैं। अब आर प्लस का क्या मतलब है, केटायन का रेडियस डिवाइडेड बाई एनायन का रेशियस, केटायन का रेडियस डिवाइडेड बाई एनायन का रेशियस। अगर मान लो रेडियस रेशियो की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, मान लो केटायन कितना है, मान लेते हैं केटायन होगा आपका 5 मान लेते हैं, और एनायन की वैल्यू कितनी होती है, मान लेते कुछ भी मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, तो आप बताओ 0.5 आएगा क्या? यस सर। अब आप बताओ 0.5 इसमें से कहां पे लाई कर रहा है, क्या इस वाले में लाई कर रहा है? 6 वाला। तो इसमें कौन सा वॉइड पाया जाएगा बताओ भाई, ऑक्टाहेड्रल। कौन सा वॉइड पाया जाएगा, ऑक्टाहेड्रल पाया जाएगा। अगर वही रेडियस रेशियो की वैल्यू 1.55 से 2.225 के बीच होती, तो उसमें कौन सा वॉइड पाया जाता, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। और देखो अगर वही 2.225 से 4.414 के बीच पाया आ जाता, तो कौन सा वॉइड पाया जाता, टेट्राहेड्रल। अगर 7.3 से 9.9 तक जाएगा, तो कौन सा वॉइड पाया जाएगा, क्यूबिकल, क्यूबिकल। क्लियर है क्या बात है? यस सर। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पूछा जाएगा। जो मैंने बताया ना, जेड बराबर क्या ऑक्टाहेड्रल और 2z बराबर क्या टेट्राहेड्रल, तो अक्सर यही पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी, कभी कभी यह भी देके पूछ लेता है, कभी कभी यह भी देके पूछ लेगा कि रेडियस रेशियो की वैल्यू दे देगा, बोल देगा कि 1.79 है या फिर 0.79 है, और बोल देगा कि बताओ भाई क्या है इसमें, कौन सा वॉइड पाया जाएगा, आप बताओ कौन सा वॉइड पाया जाएगा। अरे कौन सा वॉइड पाया जाएगा सर, क्यूबिकल, क्यूबिकल लाइन है। ठीक है, ये आपको डाटा याद करना है और ये आपको याद करना है। क्लियर है क्या बात है सबको, बताओ भाई। yes, सब अब आते हैं आयनिक क्रिस्टल के एग्जांपल देख लेते हैं, आयनिक क्रिस्टल के। एक कहां गया यार, ये जूम क्यों नहीं हो रहा है, देखो आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कुछ गिने चुने एग्जाम्पल पूछना है, पहला क्या पूछेगा, NaCl। अब NaCl का आपको दो नाम दे सकता है, या फिर डायरेक्टली NaCl बोल देगा, या फिर इसको एक और नाम बोल सकता है, रॉक सॉल्ट है। क्या है? रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट। तो पता है इसमें क्या क्या पूछ सकता है, रॉक सॉल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, 6:6। मतलब कि जो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वह भी 6 होगा, और जो क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वह भी कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है? ठीक है। यस सर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला? कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया ना, एक एटम जितने एटम को टच करेगा वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये मैंने बताया था ना। यस यस सर। एक एटम जितने एटम को टच करेगा वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, क्या बोलते हैं, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इसको मान लो, ये जो खाली वाला इसको क्या माना, इसने क्लोरीन माना है, जस्ट इसके बगल वाले को, भरे हुए वाले को सोडियम मान लिया है,
तो मैंने बोला ना अगर आयनिक सॉलिड होगा तो अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, बताओ भाई। यस सर। हाँ अल्टरनेट पोजीशन पे होगा। अब सिंपल सी बात बताओ, जो हमारे पास यहाँ देखो ध्यान से पढ़ो इसको, क्रिस्टलिन इन फेस सेंटर क्यूबिक, तो जो क्या बोलते हैं ये जो रॉक सॉल्ट होता है वो किस टाइप का लैटिस बनाता है, एफसीसी बनाता है। क्या बनाता है? एफसीसी। एफसीसी बनाता है। तो सिंपल सी बात है एफसीसी बनाता है, तो एफसीसी का क्या मतलब है? एफसीसी का मतलब जो क्लोराइड आयन है ना ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, और जो यहाँ पे सोडियम आयन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो वॉइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वॉइड में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मानो मैंने ए ए टाइप लैटिस बनाया, ए बी टाइप बनाया, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, तो सिंपल सी बात है जब मैंने एक मिनट मैंने ऐसे बनाया मैंने, इसमें बच्चों क्या है ना, इसमें बच्चों क्या है कि यह जो वॉइड है ना वॉइड, अभी यह जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, अभी जो मैंने यह स्ट्रक्चर बनाया यह कौन सा स्ट्रक्चर है, यह कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। किसके लिए? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। अगर मैं आयनिक बॉन्ड के लिए बनाऊंगा, जैसे मानो यह भी सोडियम का एटम है, या एक मिनट यह भी क्लोरीन का एटम है और यह भी क्लोरीन का एटम है, तो क्लोरीन के एटम एटम तो पास नहीं रह सकते। अगर कोवेलेंट है तो पास रह लेंगे, लेकिन कोवेलेंट नहीं है तो पास पास नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा दूरी बना लेंगे। या जो बीच का वॉइड है ना, या बीच का वॉइड, इसी में क्या होगा? सोडियम होगा, बाकी किनारे किनारे क्या होंगे? क्लोरीन होंगे। हाँ जो वॉइड में होगा ना वो पॉजिटिव होगा, पता है क्यों? आप बताओ, वॉइड की जगह छोटी है, छोटा कौन होता है? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव चार्ज होगा। बोलो यार, क्लियर है क्या बातें? यस। आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, राज सर ने शायद एक्स्ट्रा क्लास लिया था, कुछ लोगों ने पढ़े होंगे। यस सर। हाँ तो ये रही बात हमारी, ये रही बात। तो आप बताओ जो पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा कहाँ पाया जाएगा? वॉइड में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? वॉइड में। क्लियर है क्या बातें? ठीक है, वॉइड में पाया जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे यह बोल दिया कि जो क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन कहाँ पाया जा रहा है? क्लोरीन आयन पाया जा रहा है, क्लोरीन आयन पाया जा रहा है कॉर्नर पे, और जो सोडियम एटम कहाँ पे पाया जा रहा है? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में। क्लियर है क्या बातें? आप बताओ, आप बताओ, हमारा यह NaCl का स्ट्रक्चर है, NaCl का स्ट्रक्चर है। सिंपल सी बात है, अगर मानो क्लोरीन एन कॉर्नर पे पाए जाते हैं, तो कॉर्नर पे टोटल एटम 8 और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। बोलो यार। यस सर। यस सर। 1 हो गई ना? यस सर। यस सर। और आप बताओ, अब यह एफसीसी है तो फेस पे भी पाए जाते हैं, फेस पे भी, तो फेस के लिए क्या होगा? 1/2 इक्वल टू 3, यानी टोटल कितने हो गए? 4। अब फिर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो सोडियम है वो कहां पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। आप बताओ, जब एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 है, जेड की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू कितनी होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की 4 होगी ना? 4। तो जितने क्लोरीन उतने सोडियम। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को, समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये कुछ गिने चुने एग्जाम्पल पूछता है, तो गिने चुने एग्जाम्पल में एक CsCl का पूछता है। किसका पूछता है? CsCl। तो बच्चों जो CsCl होता है ना, CsCl सीजियम क्लोराइड, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 और 8 होता है, यानी सीजियम का 8 होता है और क्लोराइड का 8 होता है। क्लियर है बातें? अब जो सीजियम क्लोराइड है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा? बीसीसी। कैसे बनाएगा? बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यों भाई, बताओ भाई, बॉडी सेंटर। अब देखो, जो सीजियम होता है ना, सीजियम ये कहाँ पे होता है? बॉडी में होता है, बीच में, और बाकी जो क्लोरीन होता है वो कहाँ पे होता है? कॉर्नर पे होता है। क्लियर है क्या बातें? बताओ भाई, क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर। तो ऐसे नाम लेके डायरेक्टली पूछ लेगा कि सीजियम क्लोराइड किस टाइप का सॉलिड बनाता है, तो बॉडी सेंटर बनाता है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 8 8।
अब एक आता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड एन एस, क्या बोलते हैं, जेड एन एस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, चार। किस टाइप के होंगे, एफसीसी। और जो यहाँ पे एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल एफसीसी इन एस टू माइनस प्लस जिंक प्लस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या मतलब है ये बताओ सर, एक छोड़ के। अगर मान लो, अगर मान लो एफ सी सी है, तो एफ सी सी है तो टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितने होंगे, एट होंगे, आठ होगा ना, जेड की वैल्यू चार होगी तो टेट्राहेड्रल वॉइड आठ होगा। अगर इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे रखोगे तो टोटल कितने जिंक हमारे यूज होंगे, चार। समझ गए क्या आप लोग, क्लियर है बातें सर, चार यूज हुए तो फिर जो बाकी वो एक्सेस में। देखो सिंपल सी बात है, आप बताओ एफसीसी है तो एफसीसी है तो जो जाहिर सी बात है जिंक ब्लेंड है, जेड एन एस है तो जेड एन टू प्लस होगा और एस टू माइनस होगा, तो जो एस वाला कंडीशन है या एफसीसी में पाया जाता है, तो एफसीसी का क्या मतलब है, आठ तो कोने पे हो गए, आठ कॉर्नर पे हो गए और छह फेस पर हो गए, तो एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, चार। और टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल आठ है, लेकिन हमें आप बताओ जेड एन एस है, जितना जिंक उतना सल्फर, जितना जिंक उतना सल्फर, तो आप बताओ सल्फर चार है तो जिंक भी तो चार ही होगा ना जेड एन एस के लिए। Yes. अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में डालोगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड में संख्या कितनी हो जाएगी, आठ हो जाएगी, तो क्या जेड एन टू एस होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन जेड एन एस होता है। इसका मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक है वो अल्टरनेट पोजीशन पे, एक छोड़ के एक पे है। क्लियर है बातें, नहीं क्लियर है, क्लियर हो गया होगा ना, क्लियर हो गया होगा। अब एक आता है फ्लोराइट स्ट्रक्चर, फ्लोराइट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, CaF2, यह भी किस में पाया जाता है, FCC में पाया जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, कैल्शियम का कितना होगा, 8 और फ्लोरीन का 2, 8:4 होता है। क्लियर है क्या, बताओ भाई, आप चीज एक चीज बता दो, एक चीज बता दो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है CaF2 है, तो इसका मतलब कैल्शियम दो है, कैल्शियम एक है और फ्लोरीन कितना है, दो। अब बताओ सिंपल सी बात बताओ, इसमें मानो अगर कैल्शियम एक है और फ्लोरीन दो है, तो इसका मतलब कैल्शियम किस में पाया जाता होगा, फ्लोरीन में। याद रखना, आप बताओ हमारे पास कैल्शियम है और क्या है, फ्लोरीन है, ये बताओ दोनों में साइज किसका छोटा, कैल्शियम। अरे भाई, जो छोटा होगा वही तो वॉइड में पाया जाएगा ना, अगर मैंने वॉइड आपको ऐसे बताया था, जो छोटा होगा वही तो वॉइड में पाया जाएगा ना। यस सर। कैल्शियम कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, अरे भाई भूल गए, बे मग का, यानी कि तीसरे पीरियड का है ना, तीसरे या चौथे पीरियड का, तीसरे पीरियड का बताओ भाई, चौथे पीरियड का एलिमेंट है, चौथे पीरियड का एलिमेंट है ना ये। यस सर। और फ्लोरीन कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का है, तो बताओ भाई छोटा कौन हुआ सर, क्या छोटा कौन हुआ फिर, सर फ्लोरीन को ही सबसे छोटा मानते हैं, फ्लोरीन छोटा मानेंगे, तो जो छोटा होगा वह किस में पाया जाएगा, वॉइड में पाया जाएगा। यस सर। तो देखो वॉइड में पाया जाएगा, सिंपल सी बात देखो, अब सिंपल सी बात देखो, अगर मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कैल्शियम एक है और फ्लोरीन दो है, और इतना पता है कि फ्लोरीन को किस में एडजस्ट करना है, वॉइड में एडजस्ट करना है, किस में एडजस्ट करना है, वॉइड में, तो आप बताओ यह एफसीसी है तो कैल्शियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, फोर, चार होगी ना, चार होगी, और हमको इसके वॉइड में एडजस्ट करना है, यानी कि वॉइड में एडजस्ट करना है, या कौन से वॉइड में एडजस्ट करे कि यह चार है तो यह दुगना हो जाए इसका, टेट्राहेड्रल वॉइड में, इसलिए अगर कैल्शियम हमारे पास चार है तो फ्लोरीन कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। समझ गए क्या हमने क्यों ऐसा किया। यस सर। क्लियर है। अब आता है पॉइंट डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट का मतलब है कि मानो आपने कोई एक क्रिस्टल बना दिया, आपने कोई एक क्रिस्टल बना दिया ऐसे, जैसे कि मानो मैंने ऐसे ऐसे बना दिया, क्रिस्टल बना दिया आपने,
आपने क्रिस्टल ऐसे बना दिया, जैसी बात है आयनिक क्रिस्टल बनाओगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस ऐसे मतलब माइनस प्लस ऐसे चलता रहेगा। तो क्रिस्टल वो तो वॉइड्स में होगा ना, प्लस क्या प्लस तो वॉइड्स में होगा ना। देखो ऐसे मैं जनरली बता रहा हूँ कि एक होगा प्लस तो जस्ट उसके बाद होगा माइनस, एक होगा प्लस तो उसके बाद होगा माइनस। अगर मैं यही आपको वो करके बनाता, क्या बोलते हैं क्रिस्टल बना के बताता, तब तो आप लोग समझ जाते ना। तो ऐसे एक प्लस होगा तो जस्ट उसके बगल में क्या होगा माइनस होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब इसमें कोई दोष आ जाता है, कोई एरर आ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। अब एरर क्या आ सकता है कि माइनस अपने जगह से हट गया, कहीं बाहर निकल गया, या फिर बीच में से कहीं घूम रहा है माइनस, कहीं घूम रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्या पता प्लस और माइनस दोनों बाहर निकल के घूमने लगे। यस सर। ये बताओ ये आप लोग पढ़े हो ना संडे को? नहीं सर मैं नहीं पढ़ा। ग्रुप में तो देखा था, राज सर ने लिखा था। सर हमारी नहीं हुई थी। नो सर हमारी नहीं हुई। नहीं हम मैंने नहीं लिया था। ये बताओ क्या आपने ऐसे ही पढ़ा था ना, पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या होता है? नहीं पढ़ा था सर, एक बार दोबारा बता दो प्लीज। बता देता हूँ। नहीं तो अरे मैं तो दोबारा बताऊंगा। डिफेक्ट का मतलब ये होता है कोई कमी, जैसे कि मानो हमारी पूरी शरीर है, कमी क्या हो सकता है कि मानो हाथ जल गया मेरा, यार ये तो डिफेक्ट हुआ ना मेरे में। यस सर। नहीं क्लियर हुआ? तो अगर मान लो एक कॉपी आप खरीद के ला रहे हो, कॉपी खरीद के ला रहे हो, कॉपी फटी हुई है, डिफेक्ट हुआ वो? यस सर, वो उसमें कमी आई कि वो कॉपी फटी हुई कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वही तो बता रहा। अगर मानो एक क्रिस्टल बना हुआ है, उसमें क्रिस्टल किससे बना होगा, आयनिक क्रिस्टल, प्लस माइनस से मिलके बना होगा आयनिक। अगर मान लो कि ऐसे बहुत सारे प्लस माइनस है, बहुत सारे प्लस माइनस है, और दो प्लस माइनस गायब हो गए वहां से, यार ये भी तो डिफेक्ट है ना। यस सर, सर वो उसमें कमी आ जाएगी, उसमें बैलेंस। बिल्कुल कमी आ जाएगी, एक तो अच्छा सा सीक्वेंस चल रहा था, बाकी उसमें कमी आ गई। अगर मानो क्लास एक से 50 बच्चे आए हैं, रोल नंबर वाइज आए हैं, डेली आते हैं, और किसी दिन 30 एक और 31 वाले गायब हो गए, भाई वो भी तो डिफेक्ट है ना। लाइन बाय लाइन जो रोल नंबर बोला जाएगा, 30 31 वाले गायब हो गए, तो डिफेक्ट है ना उस क्लास के लिए। तो डिफेक्ट मतलब यही होता है। और हम अगर आयनिक पढ़ेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं या फिर क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है क्या बात है? अब देखो इसके कुछ कंडीशन होते हैं, ये क्यों होते हैं, कंडीशन अंडर विच क्रिस्टल हैव बीन डेवलप्ड, इम्प्यूरिटी, कुछ यार इम्प्यूरिटी आ जाते हैं जिसकी वजह से डिफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। अब यस सर। यस सर। सर टेम्परेचर की वजह से भी हो सकती है ना? कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी। आप बताओ, अब मैं डिफेक्ट के बारे में बताया हूँ। अगर मानो मैंने बोला कि अगर 30 और 31 वाले बच्चे नहीं आए, तो 30 और 31 वाले बच्चे किस रीजन से नहीं आए, मुझे क्या पता यार, किसी भी रीजन से नहीं आ सकते। तो जो डिफेक्ट होता है वो किसी भी वजह से हो सकता है, क्या पता उनको आने का मन ना कर रहा हो, क्या पता उनके घर वाले ने रोक लिया, क्या पता बीमार हो, क्या पता कोई जबरदस्ती रोक लिया हो, भाई आज मत आना, बंक मार लो क्लास। यस सर। डिफेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। दीपिका समझ आया क्या? मनप्रीत? यस सर। अब देखो डिफेक्ट इसमें कितने टाइप के होते हैं, डिफेक्ट देखो टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सम एटम आयन कैन बी गेट डिस्प्लेस्ड, यानी कि मानो अगर मानो यहाँ पे एकदम आराम से बनाया गया, देखो कुछ टाइप के डिफेक्ट देख लो, पॉइंट डिफेक्ट, डिफेक्ट विल ओनली एट अ सर्टेन लैटिस पोजीशन, लाइन डिफेक्ट, एटम आयंस आर मिसप्लेस्ड, मिसिंग, रिप्लेस्ड बाय सम अदर आयंस अलोंग अ लाइन, प्लेन डिफेक्ट, इफ एटम आर मिसप्लेस्ड, मिसिंग, रिप्लेस्ड बाय सम अदर आयन अलोंग लाइन अ प्लेन। कोई बात नहीं, सीधी सी बात है, ये वाला हमारा काम का नहीं है, ये वाले काम का है। अब देखो जो पॉइंट डिफेक्ट होता है कितने टाइप का होता है, स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टीसियोमेट्रिक का क्या मतलब है, क्या आपने पढ़ा था क्या ये? यस सर, वो जो कोफिशिएंट। तो देखो स्टीसियोमेट्रिक का मतलब होता है एक ही साथ निकल जाते हैं, क्या होता है एक ही साथ निकल जाता है। जैसे कि देखो मान लो हमारे पास क्या है, CH4 प्लस 2O2 गिव्स क्या होगा बताओ भाई, H2O plus CO2। आप बताओ हमारे पास अगर एक का एक मेथेन है तो वाटर कितना निकलेगा, दो निकलेगा।
अगर वही यहाँ पे टू होता या फिर सी टू एच फोर होता तो वाटर क्या होता, सॉरी सी टू एच सिक्स होता तो वाटर की संख्या कितनी हो जाती, बढ़ जाती, तीन हो जाती, तीन हो जाती। मतलब ये यह डिपेंड करता है स्टीसियोमेट्री पे, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड करता है। स्टीसियोमेट्री डिपेंड का क्या मतलब है, अगर मेरा दोस्त नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, ऐसे कितने लोग करते हो स्कूल में, करते होगे ना आप लोग, बताओ भाई। तो ये होता है स्टीसियोमेट्री डिपेंड, यानी कि अपनी डिपेंडेंसी दूसरे पे डिपेंड करती है कि हम आते हैं कि नहीं आते हैं, क्लियर। तो देखो इस स्टीसियोमेट्री डिफेक्ट डिफेक्ट में कई टाइप के होते हैं। इसमें पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, क्या होता है वैकेंसी, पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि मानो एक प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है, ऐसे है। तो क्या होता है, मैं बना देता हूँ सही से, यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है माइनस प्लस माइनस प्लस। अब होता है क्या वैकेंसी डिफेक्ट में, क्या होता है कि एक प्लस और एक माइनस इसमें से गायब हो जाते हैं, क्या होते हैं गायब हो जाते हैं। ये किस टाइप का डिफेक्ट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो अब इंटरस्टियल डिफेक्ट होता है, यह किसके अंडर आता है, दोनों, यह दोनों आता है स्टीसियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर में। स्टीसियोमेट्रिक यानी कि कोई अकेला इधर तो नहीं भागेगा, भागेंगे तो साथ लेके भागेंगे, अकेले नहीं जाने वाले। जैसे कि मानो आज मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा तो मैं तो जाऊंगा नहीं, अपने दोस्तों को ही मना करूंगा, यही होता है। अब आते हैं इंटरस्टियल डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है इंटरस्टियल डिफेक्ट में, कि अपना जगह छोड़ के क्या करते हैं, कि अपना जगह छोड़ के दूसरे की जगह बीच में कूद जाते हैं, क्लियर है। यस सर। जैसे कि मानो यहाँ पे भी कोई है तो ये देखो ये अपना जगह छोड़ के बीच में कूद गया, बताओ भाई। यस सर। कैसे करते हैं, क्या बहुत बच्चे स्कूल में करते हैं कि हाँ आगे वाला बेंच छोड़ के, जगह तो उनके पास होता है, बीच में भले ही से पांच छह बैठेंगे एक बेंच पे लेकिन बैठ जाते हैं, खासकर लड़के करते हैं, होता है कि नहीं, बैठ जाते, होता है। ये हुआ इंटरस्टियल इफेक्ट, या फिर बेंच के नीचे ऐसे छुप जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे उटपटांग काम करते रहेंगे। एक बार वैकेंसी वाला दोबारा बताना। देखो वैकेंसी का मतलब ये है कि मानो कि बीच से, जैसे कि मानो आप लोग क्लास में हो, दो लोग बातें कर रहे हैं, क्या दोनों लोग को टीचर निकाल देता है क्या, जाओ बाहर। यस सर। तो क्या वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई क्या? यस सर। ये होता है वैकेंसी। और इंटरस्टियल डिफेक्ट क्या होता है, कि अपने जगह से हटके दूसरे जगह में चले जाते हैं, वहां पे भीड़ भाड़ इकट्ठा कर देते हैं, दिख रहा है क्या आपको, बोलो भाई। यस। ठीक है। अब देखो अब हम आते हैं वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर। वैकेंसी डिफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रैंकनल डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, फ्रैंकनल डिफेक्ट। देखो कितने टाइप है क्या, तो जैसे कि स्टीसियोमेट्रिक के दो टाइप हैं, फिर उसके ये स्टीसियोमेट्रिक के अंदर ही है, स्टीसियोमेट्रिक यानी कि वैकेंसी के दो टाइप हैं। नहीं वो चारों, ये सिंपल सी बात है, आप मान के चलो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टीसियोमेट्री वाला डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर आएगा। यस। ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, मानो आयनिक प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे होगा क्या, होगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, फ्रैंकनल डिफेक्ट में क्या बोल रहा है, यूजुअली दिस इफेक्ट सोन बाय आयनिक सॉलिड। ये बताओ ये आयनिक सॉलिड करते हैं, क्लियर है। द स्मॉलर कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू इंटरस्टियल साइड, यानी कि जो केटायन होता है, केटायन यह क्या करता है कि अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे भाग जाता है, खासकर कौन करता है, केटायन करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, बोलो यार। तो केटायन तो साइज में छोटा है, देखो यूजुअली केटायन क्यों, क्योंकि स्मॉलर साइज में है, तो जो क्या होता है केटायन अपनी जगह से हटके दूसरी जगह चला जाता है, बीच में कहीं चला जाता है, इंटरस्टियल साइड, ये जो बीच का खाली जगह है ना, इंटरस्टियल साइड बोलते हैं इसको, इसमें चला जाता है। इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइड। आप बताओ क्या इसके जगह पे वैकेंसी, खाली जगह हो गया क्या? यस सर, हो गया। और यह दूसरे जगह पे भाग जाता है। अब ध्यान देना, फ्रैंकनल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। आप बताओ क्या इसमें लोकेशन चेंज हो रहा है, ये यहां से यहां भाग गया, इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब देखो एग्जांपल देख लो,
ZNS, AGCL, AGBR, AGI, आप बताओ इसमें से कौन कौन जाएगा? जो पॉजिटिव वाले हैं वही जाएंगे अक्सर। क्लियर है क्या बात है सर? मतलब इसमें सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, एक बीच में घुस जाता है। हाँ, सब चीज सिस्टमैटिक होता है यार। आप बताओ पूरी क्लास, अगर मानो पूरे क्लास है तो क्या पूरे क्लास इधर उधर थोड़ी भागते, कोई एक ही दो तो होते हैं ना बेकार वाले। यस सर। हाँ सर। हाँ, पूरी क्लास जाएगी तो क्या होगा, सब पिटेंगे? यस सर, फंस जाएंगे। हाँ, एक ही दो होते हैं। यस सर। सब थोड़ी जाएंगे। अब आते हैं दूसरा, शॉर्ट की डिफेक्ट। किसमें आते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट में आते हैं। तो देखो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, ये भी आयनिक सॉलिड होता है। शॉर्ट की डिफेक्ट में देखो कि एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों क्या हो गए? बाहर हो गए। दोनों क्या हो गए? बाहर हो गए, भाग गए दोनों क्लास से बाहर। मानो बात कर रहे थे, दोनों को क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसे ऐसे डिफेक्ट क्या होते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रैंकनल में फिर भी क्या होता है? फ्रैंकनल में या अंदर ही होता है, लेकिन शॉर्ट की में क्या होता है? क्लास से बाहर। क्लियर है क्या बात है? सर, सिस्टम में होंगे ही नहीं प्लस माइनस। सिस्टम में होंगे ही नहीं प्लस माइनस। नहीं देखो, सिस्टम में तो होंगे, सिस्टम में तो होंगे, लेकिन सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे। एक प्लस और एक माइनस को बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर है? यस। तो बहुत मिलते जुलते हैं सारे। क्या सर? सारे एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। अरे भाई ये बताओ कि जब आयनिक सॉलिड है तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। अलग अलग प्लस प्लस को एक साथ थोड़ी कर सकते हो यार, बवाल कर देंगे वो। ऐसे नहीं कर सकते ना प्लस प्लस को एक साथ, डिफरेंट चार्जेस होने चाहिए, रिपल्शन करेंगे ना। यस सर। यस सर। ठीक है। ये खाटू श्याम मंदिर कहाँ पे है? बड़ा नाम सुना। राजस्थान में। राजस्थान। चलो अच्छी बात है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, किसी को आइडिया है क्या? नहीं पता। चलो नहीं पता सर। वैसे कोई से भी मंदिर में जाते हैं, पेगासस होता है, बीच में लाइन में आ जाते हैं। कोई बात, देखो इट इज बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सीधी सी बात है, याद रखना फ्रैंकनल डिफेक्ट में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है और शॉर्ट की डिफेक्ट में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। मतलब ये जितना प्लस उतने माइनस, जितना प्लस उतने माइनस, और इसमें भी क्या, जितना प्लस उतने माइनस। आप बताओ पहले वाले में प्लस एक जगह से दूसरे जगह गया तो क्या प्लस माइनस की संख्या में कोई कमी आई क्या? नो सर, नहीं आई है। लेकिन दूसरे वाले में देखो प्लस को भी बाहर निकाला गया, माइनस को भी बाहर निकाला गया, फिर भी प्लस माइनस की संख्या में आप बताओ दोनों बराबर है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रही है। यस सर, बिल्कुल। तो इसके एग्जांपल देख लो, NaCl, KCl, CaCl और AgBr। जो AgBr होता है इसको स्टार मार्क कर लेना, या शॉर्ट की ऑफ फ्रैंकनल, दोनों डिफेक्ट दिखाता है। ठीक है, क्लियर है क्या बात है? अब देखो क्या होता है, एक होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या होता है? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब देखो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि मान लो NaCl का मैंने क्रिस्टल बनाया, हमेशा डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होनी चाहिए? मेंटेन होनी चाहिए। मतलब जितना प्लस की संख्या उतनी ही माइनस की संख्या होनी चाहिए। अब इम्प्यूरिटी, लेकिन एक जो बीच में घुस गया था वो, अरे भाई ये इसी में से निकल के तो घुसा था ना, इसी क्लास का बंदा ना सर। नहीं, एक और था जो आपने बताया, छोटा बच्चा। अरे छोटा बच्चा उसी क्लास का बच्चा उसी क्लास में घुसा है। अरे जैसे आगे बेंच वाले क्या होते हैं, पीछे जाके कभी कभी बैठ जाते हैं मजे लेने के लिए, बदमाशी करने के लिए। ओके सर, हो गया। करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसे? यस सर, करते करते हैं। अब देखो, अब आते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में। तो आप बताओ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, 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 सोडियम प्लस है। ऐसे हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है। अब इसमें क्या होता है इंप्यूरिटी डिफेक्ट में, अब इसमें से दो सोडियम क्या होते हैं, बाहर निकल जाएंगे। आप बताओ दो सोडियम बाहर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। नो सर। तो उसकी जगह पे कोई एक ही एटम आएगा, वो कौन एटम आएगा? SrCl2। तो आप बताओ SrCl2 पे सिस पे कितना चार्ज है, Sr पे कितना चार्ज है? प्लस टू।
प्लस टू चार्ज होगा, तो जो SR होगा ना अकेले इसमें काफी होगा, जो SR होगा जैसे कि मानो दो सोडियम यहाँ से निकल गए और दो सोडियम की जगह पे एक ही क्या जाएगा SR जाएगा, क्लियर है क्या बात है? यस सर, यस सर। तो आप बताओ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, डाउट किसी को इसमें? सर ये जो सोडियम है वो रैंडमली किसी भी पोजीशन से निकल जाएगा? हाँ कहीं से भी निकल जाएगा यार, हम थोड़ी जानते कहां से निकलेगा, नहीं पता कहीं से। सर पॉजिटिव नहीं निकलेगा क्या? एन नहीं निकलेगा? हाँ सोडियम निकलेगा, सोडियम निकलेगा। तो ये बताओ निकल सकता? देखो सिंपल सी बात है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है। क्या है? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है। तो आप बताओ अगर हम इसमें कोई एक इम्प्योर सब्सटेंस डालते हैं यानी कि क्लोरीन माइनस, आप बताओ NaCl में से क्लोरीन निकाल कर क्लोरीन को डाल देंगे तो हमें क्या पता चलेगा क्लोरीन निकला है कि नहीं निकला है? नहीं पता चलेगा ना हमें? यस सर। आप हमें ये वाला पेन देके और सेम यही वाला पेन ले ले रहे हो तो हमें क्या पता, अगर दोनों न्यू है तो आपको पता चलेगा क्या मेरा वाला कि आपका वाला कौन सा? नहीं पता चलेगा, घपला हो जाएगा यार। देखो अगर सोडियम की जगह पे SR रिप्लेस हो रहा है तब तो जाके पता चल जाएगा ना कि हाँ कोई नया बंदा आया है उसकी जगह पे। यस सर, यस सर। ऐसे ही दो AG निकल जाएगा तो कितना CD चला जाएगा? एक CD चला जाएगा, क्लियर है? अरे भाई कैडमियम पे दो चार्ज है, आप दो AG को बाहर निकाल दोगे तो एक ही कैडमियम को डाल दोगे तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ इसने, देखो इसने क्या किया हुआ है, सिंपल सी बात बताओ इसने क्या किया हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पे भी सोडियम हुआ करता था और यहाँ पे भी सोडियम हुआ करता था, दोनों सोडियम क्या हो गए? बाहर निकल गए। और इस एक सोडियम की जगह पे क्या डाल दिया गया, मतलब एक जगह पे क्या डाल दिया गया? Sr2+ डाल दिया गया और दूसरा जगह क्या हो गया? दूसरा जगह खाली कर दिया गया। आप बताओ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी है कि नहीं बनी है? हाँ एक ही जगह डाल दिया जाएगा, जितना जगह उतना ही तो डाला जाएगा। आप बताओ जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं कि नहीं है? यस सर, यस सर। मेन चीज है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए। सर हमेशा सोडियम और सोडियम क्लोराइड का ही रिएक्शन होगा क्या? हमेशा ये एटम सोडियम क्लोराइड का ही होगा? हाँ देखो सोडियम क्लोराइड में ही ये डिफेक्ट पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड में ही ये डिफेक्ट पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। नॉन स्टीसियोमेट्री डिफेक्ट में दो टाइप के डिफेक्ट आते हैं, एक आते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यानी कि अगर मानो कोई मेटल एक्स्ट्रा हो जाए तो उसकी वजह से डिफेक्ट आ जाएगा। अरे आप बताओ यार किसी के दो हाथ हैं, इसी हाथ में एक और एक हाथ जुड़ा आ जाए, कई कई बच्चों के तो देखे होगे ना आप लोग यूट्यूब वगैरह पे से, yes, sir. तो वो तो डिफेक्ट हुआ ना, डिफेक्ट हुआ, एक्स्ट्रा हाथ आ जाए फिर एक हाथ ही कम हो जाए, यार ये सब डिफेक्ट हुआ। तो मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो आओ पढ़ते हैं मेटल एक्सेस वाले में क्या सीन है। देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। सिंपल सी बात बताओ, हमारा अच्छा खासा प्लस माइनस चला आ रहा था। आप बताओ एक माइनस वहां से भाग गया तो क्या एक प्लस एक्स्ट्रा हो गया क्या वहां पे? सर फिर तो ये न्यूट्रलिटी नहीं मेंटेन होगा। यस सर, क्या न्यूट्रल नहीं रहेगा ना फिर? नहीं तो ये वहां पे अब जो देखो हम बता रहे कैसे न्यूट्रलिटी नहीं, आप बताओ क्या माइनस वहां पे माइनस भाग गया वहां से, तो माइनस भाग गया सॉरी हाँ माइनस भाग गया तो आप बताओ क्या बोलते हैं वहां पे मेटल एक्सेस हो जाएगा क्या, एक्स्ट्रा हो जाएगा क्या? यस सर पॉसिबल। देखो अगर मानो यहाँ पे 50 बॉयज हैं और एक गर्ल्स हैं तो मैं बताओ किसको प्लस मानू किसको माइनस, बॉयज को प्लस मान लेता हूँ गर्ल्स को माइनस, ठीक है? सर गर्ल्स को प्लस मानो, कोई बात नहीं। अगर ये सॉरी 50 गर्ल्स भी है, अगर एक गर्ल्स भाग गई तो 49 गर्ल्स हो गई क्या? Yes, sir.
तो आप बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ क्या बॉयज एक एक्स्ट्रा है? यस सर। ही 50 प्लस है और 50 माइनस है, एक माइनस भाग गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या प्लस की संख्या ज्यादा है? यस सर। क्या मैं बोल सकता, अगर अगर ये बॉयज क्या हो, मेटल हो, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या मेटल एक्सेस में है? यस सर। भले ही से भागा कोई और है तो उसके भागने के चक्कर में ये एक्सेस में हो गया, क्लियर है? बताओ भाई, तो कुछ यही सीन है, देखना क्या होता है, देखना क्या होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर भी बनी रहेगी। देखो यहाँ पे सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस। अब देखो सिंपल सी बात, देखो क्लोरीन माइनस है तो ये बताओ क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या? तभी तो इस पे माइनस चार्ज है ना। यस सर। तो जब क्लोरीन भागेगा ना तो क्लोरीन के फॉर्म में भागेगा, अपना माइनस चार्ज यहीं पे छोड़ देगा, क्लोरीन तो निकल जाएगा लेकिन अपना माइनस चार्ज वहीं पे छोड़ देगा। तो आप बताओ क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई प्रॉब्लम हुआ? नो सर। नो सर, नहीं हुआ ना। क्लोरीन तो भाग गया लेकिन अपना माइनस चार्ज वहीं पे छोड़ दिया। देखो यहाँ पे एल्किल हैलाइड लाइक NaCl, यार ये NaCl में सभी टाइप के डिफेक्ट पाए जाते हैं, मैंने देखा शॉटकी भी पाया गया, फ्रैक्नल भी पाया गया, मेटल एक्सेस भी पाया गया। सर फिर भी ये रेगुलरली यूज होता है, इसे रोज खाते तो हैं, नमक खाते हैं, खाते तो हैं इतनी डिफेक्ट होने के बाद भी, कोई बात नहीं। सर इसके टेस्ट में चेंज नहीं आता इसमें डिफेक्ट होने से? नहीं पता मुझे, कभी तो मैंने चेक नहीं किया, अभी तक तो नहीं आया जी। तो आप बताओ, अगर आप ये बताओ आपको पता भी चलता है क्या इसमें डिफेक्ट आया है, या फिर एक फ्लोरीन भाग गया या फिर क्लोरीन भाग गया? नो सर। No, sir. हमें भी नहीं पता चलता है, तो हम कैसे बताएं? और टेस्ट पता है कब आता है? जब कभी नमक ज्यादा पड़ जाता है फिर कम हो जाता है, तभी पता चलता है कि हाँ टेस्ट खराब हुआ है, और कभी नहीं पता चलता। ठीक है? Yes, sir. देखो NaCl में ये डिफेक्ट पाया जाएगा और KCl में पाया जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड इन एटमोस्फियर ऑफ सोडियम वेपर। देखो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो NaCl है इसको हम सोडियम वेपर के साथ हीट करते हैं, यानी गर्म करते हैं। द सोडियम एटम आर डिपोजिट ऑन सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड क्लोरीन माइनस आयन डिफ्यूज टू सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड कंबाइन विथ Na टू गिव NaCl। दिस हैपन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम टू फॉर्म Na प्लस। द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज टू इनटू क्रिस्टल ऑक्यूपाई एनायनिक साइट एज रिजल्ट। देखो अब सिंपल सी बात है, जहां से क्लोरीन भागेगा वहां पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागेगा, बोलो भाई। तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागेगा उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ सेंटर बोलेंगे। क्लियर है क्या बातें? क्लियर है क्या बातें? यस सर। एफ सेंटर बोलेंगे। चलो आगे पढ़ लेते हैं। अब देखो जो एफ सेंटर की वजह से इसमें कलर आ जाते हैं, कलर आ जाते हैं, क्लियर है? डिफेक्ट फाउंड इन क्रिस्टल, बस यही पढ़ो और ज्यादा कुछ नहीं। सर कौन सा कलर? अक्सर येलो कलर के आसपास आता है, येलो कलर के आसपास आता है। देखो अगर हमारे पास NaCl होगा तो येलो कलर आएगा, अगर ये प्रॉब्लम ये डिफेक्ट NaCl में आएगी तो कौन सा कलर आएगा? येलो। अगर वही KCl में ये प्रॉब्लम आएगा तो कौन सा कलर आएगा? वायलेट। अगर लिथियम क्लोराइड में प्रॉब्लम आएगा तो कौन सा कलर आएगा? क्लोरीन। ये बताओ जितने में प्रॉब्लम आई सब में भागना किसको है? सोडियम या अरे भाई क्लोरीन, क्लोरीन को भागेगा। यस सर। अब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा। यस जिस पोजीशन पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ सेंटर। एफ सेंटर बोलेंगे। बोलो यार, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसे बोलेंगे? क्या एफ सेंटर किसे बोलेंगे? ये बताओ आपने चंद्रयान 3 देखा क्या? Yes, sir. बताओ जहां पे विक्रम लैंडर उतरा उस पॉइंट को क्या बोला गया? साउथ पोल। साउथ पोल तिरंगा पॉइंट, मोदी जी ने बोला तिरंगा पॉइंट। अच्छा हाँ, नाम सुना क्या आपने? मोदी जी ने कहा था। बताओ भाई, तो आप बताओ जहां से इलेक्ट्रॉन निकल, जहां से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन रख के गया है, किसी ने नाम रख दिया एफ सेंटर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब बदल दो और क्या, मैं कैसे बदल सकता हूँ? आप बताओ मोदी जी को बदल दो, तिरंगा पॉइंट फुल फॉर्म तो बताओ एफ की। अरे भाई एफ सेंटर नाम ही रख दिया गया। सर वैसे इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? पूछ देगा कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला उस सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑप्शन दे देगा।
एफ सेंटर, बी सेंटर, ई सेंटर, कुछ भी दे देगा। ओके सर। ओके सर। तो आप बोलोगे ना एफ सेंटर होगा, क्लियर है? यस सर। ये पूछ सकता है कि एफ सेंटर किसकी वजह से होता है, मेटल एक्सेस की वजह से होता है। यस सर। बस बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी तिरंगा पॉइंट बोला तब आपको समझ आया क्या? यस सर। यस सर। कुछ भी बोल दो। अब देखो वो तो हुआ मेटल एक्सेस, अब आ गए मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल साइट। देखो ये अभी मेटल एक्सेस वाला ही है, सॉरी कहां गया ये मेटल। देखो ये मेटल एक्सेस वाला एग्जांपल है। अब आते हैं मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी का क्या मतलब है, जैसे कि मानो हमारे पास FeO है, दिखने में तो FeO है लेकिन आप बताओ अगर 100 FeO होगा तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए, बोलो यार। Yes, sir. अगर मानो NaCl है हमारे पास, अगर हमारे पास 100 Na है तो Cl कितना होना चाहिए? 100 ही Cl होना चाहिए, क्लियर है क्या? लेकिन मेटल डिफिशियंसी में क्या होता है, मेटल डिफिशियंसी में जैसे कि मान लो हमने क्या लिखा FeO लिख दिया, तो Fe बच्चों पता है क्या 0.93 हो गया और O 1 रहा, तो आप बताओ क्या मेटल यहाँ पे 0.07 कम हुआ क्या, बताओ? Yes, समझ नहीं आया। देखो मेटल डिफिशियंसी का क्या मतलब है, जैसे कि मानो हमारे पास FeO है, क्लियर है? इसका मतलब एक आयरन और एक ऑक्सीजन, क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. लेकिन मेटल डिफिशियंसी का क्या सीन है कि जो आयरन है वो 0.93 है और ऑक्सीजन एक है, तो आप बताओ होना तो चाहिए दोनों को एक एक, लेकिन क्या यहाँ पे आयरन थोड़ा सा कम है क्या? Yes, sir. 0.06. इसी को क्या बोलेंगे, मेटल डिफिशियंसी, क्लियर है क्या बात है? डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, ये सब क्वेश्चन रहा। देखो भाई आप बताओ इन अ क्रिस्टल बोथ आयन आर मिसिंग फ्रॉम नॉर्मल साइड आर इक्वल, बताओ भाई किसका एग्जांपल है? शॉर्टकी डिफेक्ट का, उसमें क्या होता है प्लस माइनस दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है प्लस और माइनस दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। फ्रैंकनल में क्या होता है, कोई लड़का अपने जगह से छोड़ के पीछे वाले बेंच पे बैठ जाता है दोस्तों के साथ, क्लास के बाहर तो नहीं होता लेकिन आगे वाली सीट से पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है मस्ती करने के लिए। एफ सेंटर क्या होता है, मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस, क्या ये बताओ फ्रैंकनल डिफेक्ट किस में पाया जाता है? AGBR AGBR तो फिक्स है लेकिन इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, पाया जाता है। ये क्या बात है? यस सर। यस सर। अब देखो कुछ इनकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, शायद आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। मेटल कंडक्टर है, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, क्या आप पढ़े हो? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है क्या, ये बताओ? यस सर। सेम वही है, सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। ये पैरा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब फिजिक्स वाला ही है। सर केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा है। क्या? डाया और पैरा तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। पढ़ लेना आप लोग। अब ये बताओ ये पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब ये बताओ कि जो हमारे पास MgO है ये है, ये रॉक सॉल्ट जैसे यूनिट सेल है, रॉक सॉल्ट जैसे, तो आप बताओ रॉक सॉल्ट जैसे है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन में पूछता हूं। 6:6 अगर रॉक सॉल्ट जैसे है तो जाहिर सी बात है जो ऑक्सीजन माइनस होगा वह कहां पे होगा, कॉर्नर पे होगा। यस सर। तो इसका मतलब कॉर्नर पे होगा और फेस पे होगा, तो ऑक्सीजन माइनस की संख्या कितनी होगी, जेड के बराबर होगी 4। और जो एमजी होगा प्लस छोटा वाला
या कहां पे पाया जाएगा, या ऑक्टाहेड्रल वॉल्ट में पाया जाएगा, ये विचार होगा। यस सर, क्लियर है क्या? जब रॉक सॉल्ट जैसे हैं तो पूरा का पूरा इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, NaCl जैसे होगा, क्लियर है? बताओ भाई। यस सर। ये तीसरा पूछ रहा है, प्लेटिनम इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका मतलब एक जो एटम होगा वो कॉर्नर पे होगा। देखो कॉर्नर पे तो 8 एटम होते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक ही होता है, 1/8 × 8। हाँ, और जो फेस पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, होता तो 6 है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 3/3 होता है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। बताओ भाई। यस सर। डाउट किसी को, किसी को डाउट? नो डाउट, पढ़ना यार आप लोग। ये देखो डेंसिटी निकालने का दिया हुआ है, डेंसिटी निकाल लोगे क्या? सब चीज दिया हुआ है, बस आपको डेंसिटी निकालना है, कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। ये बताओ अगर हमारे पास बीसीसी है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? मैंने 8-8 बताया था बीसीसी के लिए, 8 कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लिया और पूछेगा कि किस टाइप का क्रिस्टल है, तो जेड की वैल्यू 4 आई है, तो एफसीसी आएगा, जाहिर सी बात है। यस सर। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आप लोग कर लोगे इस टाइप का, कोऑर्डिनेशन नंबर तो पूछा है। आप बताओ NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6:6. ये पूछा है कि MgO has structure of NaCl, तो जाहिर सी बात है, तो MgO का भी 6:6 होगा, yes, तो इसी के जैसे स्ट्रक्चर है। अब देखो TiCl has structure of CaCl, तो CaCl किससे पाया जाता है, BCC जैसे? मैंने बोला था ना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8-8, ये याद कर लेना, कुछ गिने चुने 3-4 हैं। यस सर, इसका 8-8 है, तो फिर मान लो TiCl का भी हम 8-8 मान लो, सेम होगा। क्लियर है क्या बात है? बताओ भाई। यस सर। यह रेडियस रेशियो का क्वेश्चन है, अगर रेडियस रेशियो कितना है, 0.411, तो बताओ जो पॉजिटिव होगा वो किस वॉइड में जाएगा, कर लोगे क्या आप लोग? ऑक्टेट। देखो ऑक्टेट्रल में कर लोगे क्या आप लोग ऐसे? यस सर। पॉजिटिव का अगर मानो नेगेटिव का रेडियस दिया हो, तो क्या पॉजिटिव का रेडियस निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे? अगर निकाल सकते हैं, पहले दिया फिर पॉजिटिव का रेडियस कौन में करके निकल जाएगा। ये देखो द रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन, यानी पॉजिटिव वाले की कितना है, 94, एंड ऑक्साइड एंड नेगेटिव आयन की कितना है, 146। प्रेडिक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हमें स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है, कैसे करेंगे? 0.64 समथिंग निकाल के सब से डिवाइड कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव को। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। ये आप इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, कर लेना आप लोग, कर लेना यार। ये बताओ ये जो सोडियम है बॉडी सेंटर पाया जाता है, बीसीसी जैसे पाया जाता है, तो बीसीसी में क्या होता है, 4R = √3 है, क्योंकि जो बॉडी डायगोनल वाले एटम होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, यही फॉर्मूला होता है ना। यस सर। अब ये एज लेंथ दे दिया, यानी ए की वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया, 4.29, तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ सोडियम एटम, आर की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, कितना भी आएगा हो जाएगा। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। कर लेना यार आप लोग, देखो अगर एक बार आप लोग पढ़ोगे ना तो टफ नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, एक बार आप लोग पढ़ोगे तो टफ नहीं है। डाउट किसी को? नो सर। इसकी वेटेज कितनी है जेई में? जेई में वेटेज ठीक ठाक आता है, कम से कम 2 क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स मान के चलो, 6 या 8-10 मार्क्स मान के चलो। क्लियर है क्या बात है? में कितनी है इसकी वेटेज? क्या सर इसकी और सरफेस के नीट में कितनी है सर इसकी वेटेज? नीट में भी लगभग इतना ही है, नीट में भी लगभग इतना ही है, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ऐसे पूछता है, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ऐसे पूछता है। ये देखो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर आर ऑफ मिक्स ऑक्साइड, इट इज फाउंड एट लैटिस ऑफ O2 एंड 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आज ऑक्यूपाइड इन ट्राइवेलेंट केटायन एंड 8/1 लेंथ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड डाइवेलेंट केटायन, डिराइव फॉर्मूला फॉर मिक्स्ड।
क्या पूछ रहा है ये बताओ भाई। क्रिस्टल को देखना आप, कोशिश करना एक बार, देखो समझ आता है कि नहीं आता, तब ना कुछ आप लोग की तरफ कोशिश, क्योंकि अभी मेरा जस्ट नेक्स्ट क्लास है, यहाँ पे लगभग फिनिश ही हो गया। ये भी आप लोग कर ही लोगे यार, एक कंपाउंड बीसीसी स्ट्रक्चर है, एज लेंथ कितना दिया हुआ 380, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन इन लैटिस, कर लोगे क्या आप लोग? यस सर, पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, किसी को डाउट हो तो बताओ यार, क्या आपका सॉलिड फिनिश हो गया क्या? फिनिश हो गया। देखो यार एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो आपसे हो जाएगा। ये बताओ क्या अगली क्लास में क्या करूं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं या फिर इसका जेई लेवल का क्वेश्चन बताऊं? टफ टफ सर, कोई पुराना चैप्टर ही रिवाइज करवा दो, ऑर्गेनिक वगैरह नहीं, सॉल्यूशन लगे राइट करवा दो सर, सर का मिड टर्म भी आने वाला है। देखो रिवाइज तो मैं आपके जब स्कूल का मिड टर्म होगा उस टाइम कराऊंगा मैं सर, एक सारे चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, जब दो दिन का टाइम बचेगा, दो दिन का सर 17 को मेजर टेस्ट नहीं, वो आपकी जब बोर्ड जब ये स्कूल का एग्जाम होगा उस टाइम रिवाइज कराऊंगा मैं, अभी नहीं। ये बताओ नेक्स्ट क्लास में मैं जेई के क्वेश्चन बताऊं या फिर नेक्स्ट चैप्टर बताऊं? सेंड कर दिया मैंने, बच्चे फिर भी भूल गए। चलो ठीक है, मैं जेई के क्वेश्चन बताऊंगा, टफ टफ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है बातें? जेई और नीट के भी क्वेश्चन बताऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अटेंडेंस चैट बॉक्स में दो सभी, कितने लोगों को बोरिंग लगता है यार क्लासेस? बताओ भाई। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो पूछो। सर जैसे ये हमारा मेरा टेस्ट होगा सर, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में होगा? ओके सर। केमिस्ट्री थोड़ी तो बोरिंग है। बोरिंग है लेकिन जब तक कोई एग्जाम नहीं निकल जाता ना, बोरिंग नहीं बनाना है आपको, एग्जाम कोई क्लियर हो जाए उसके बाद आप बोरिंग बना लेना। बोरिंग क्या नहीं, ये बताओ कोई पढ़ना चाहता है क्या? नो सर, नो सर। घूमना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, पैसे आ जाए, सीधा डॉक्टर बन जाए, बोरिंग तो हर एक चीज होता है, रियलिटी है ये। यस सर, लेकिन आप उसको इंटरेस्ट से लोगे तो फिर बोरिंग नहीं लगेगी। मैं ये बताओ, मैं कंटिन्यूस एक घंटा बोलता हूँ कि आप लोग के सामने? यस सर। अगर यही अगर यही स्कूल होता तो क्या टीचर बोलते क्या एक घंटा कंटिन्यूस? सब बिल्कुल भी नहीं बोलते सर, सिर्फ क्लास में ही नहीं आते टीचर तो। सर जो आपने पढ़ाया ना उसका हाफ पढ़ा लेते हैं और बोलते हैं बुक से रीड कर लो बस। यस सर, मैं ऐसा बहुत, मैं केवल न्यूमेरिकल के टाइम बोलता हूं।